मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने, सभी स्कूल के बच्चों ने, जो लोग इनसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो होता है वो, जो भी लोग हैं उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत गोली मारना चाहिए। और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने लाए थे 5000 की गड्डी बाइक पे। Fire! 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 F
एक सेकंड यहाँ पे दिखाना सेंटर में। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम मर्जिया पठान है और हम लोग आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो कल जो इंसिडेंट ऑकर हुआ था पेशावर में, द इंसिडेंट विच ऑकर्ड यस्टरडे इज रियली रियली मिसरेबली हैड किल्ड 130 स्टूडेंट्स एंड दे सेट ऑन फायर वन टीचर विच शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, दे सेट ऑन फायर एंड विच इज रियली रियली मिसरेबल। वी मुस्लिम्स वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी वांट टू स्टडी, वी आर अगेंस्ट दिस। So that's all I want to say, that if like, you know, if this will, I want this to stop. We Muslims are against it, we protest this and we want this to stop immediately because hum log iske khilaf hai. Humko padhna hai, hame padhna hai, hame apne Islam ko aage badhana hai aur ye cheez bahut galat hai. Isse kya hai ki bachche to padhne ke liye darenge na school mein. This thing has happened in school. This thing has happened in school. Ab school mein bhi bachche surakshit nahi hai. That's all I want. गवर्नमेंट ऑफ पेशावर लाइक पाकिस्तान शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस जस्ट बाय सिंपथाइजिंग एवरीवन इट डजंट वर्क लाइक इफ यू आर सेइंग लाइक ठीक है ओके विल डू समथिंग वी आर डूइंग व्हाट दैट मीन वी आर डूइंग नो दे शुड डू दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन नाउ इटसेल्फ वी आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग सिंस लास्ट टू लास्ट ईयर दे आर डूइंग सिंस मलालास इंसिडेंट बट टिल नाउ नथिंग हैज हैपेंड दे शुड टेक रियली स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम तो कहना चाहेंगे कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित नहीं है स्कूल में अब तो ऐसा हो गया है कि स्कूल के बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है स्कूल क्यों भेजा जाता है कि अच्छी जिंदगी अच्छी मतलब इंडिपेंडेंट बने अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आए बट अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे इंसान अच्छा अच्छी लाइफ स्टाइल सीखने के लिए जाता है पर वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे भी अब कोई सेफ नहीं है। आपको लग रहा है प्रोटेस्ट करके न्याय मिल सकता है? Yeah, of course, like change, one person should make, one person can make a change. एक इंसान चेंज ला सकता है तो आज हमने स्टार्ट किया है इंशाल्लाह ताला ज़रूर आगे चेंज आएगा फिर हम आशा करते हैं कि आगे चेंज आए और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। थैंक यू। आप बताइए कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं ना तो आपको डर लगा रहता है कि नहीं? हाँ तो बताइए ना आप मराठी बोलना मराठी बोलना सायरा काय नेमका प्रकार झाला होता काल पाकिस्ताननंतर एक महिला काय वाटते कुठल्या नजरेतून तुम्ही बघताय मुलांवर अत्याचार कोणाचं काय पण 132 मुलांवर एवढा अत्याचार म्हणजे झालं काय तुम्ही काही करता आणि हे पाकिस्तानवाले कोणालाही घुसायला देतात प्रत्येक जणांचा ठिकाणा पाकिस्तानच आहे आणि आता या टायमाला मुलं झालं काय याचा अर्थ काय तुमची मुलं शाळेत जातात काय सांगाल तुम्ही आणि हे आज उद्या इकडे झालं आहे उद्या आमच्या इकडे पण होऊ शकतं आमच्या मुलांवर कारवाई करायला पाहिजे आमच्या मुलांवर पण होऊ शकतं पाकिस्तानी सरकारने कुठं लक्ष देऊन यावरती काय निर्बंध घातले पाहिजे तुम्हाला वाटतंय काय केलंच पाहिजे काय शानू भाई आज ये पेशावर में जो दुर्घटना हुई बच्चों के साथ में आज आपके यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने उसका संज्ञान लेते हुए उसका विरोध किया है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि टेररिज्म के खिलाफ ठीक है टेररिज्म में लड़ाई चल रही है बात अलग है लेकिन वो तो उसका तो निषेध करना ही चाहिए लेकिन ये तो निचली हद तक गिरना मतलब मानवता की हिसाब को गिरना जो आखिरी स्टेट रहता है जो मासूमों की जान ले मतलब मासूमों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इससे उनने ये बात साबित किया कि वो टेररिज्म नहीं चल्ला मतलब जो आखिरी लफ्ज होता है बेहिंत्याय का जो इंसान के नाम पर कलंक होते जो दुनिया में जो आए कलंक है जो उनके नाम पे उन्होंने आज वो साबित कर दिया कि वो लोग हैं क्योंकि मासूम बच्चों को मारा जा रहा है तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने सभी स्कूल के बच्चों ने उसका विरोध किया और उसका हम समर्थक कर रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसे जो लोग हैं उनसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो होता है वो जो भी लोग हैं उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और फांसी की सजा होना चाहिए ऐसे लोगों को तुरंत गोली मारना चाहिए। हमारे समाज में इस तरह के दहशतगर्द कई जो है ना अपने रूप बदल करके हमारे पनप रहे हैं उनकी उनको दूर करने के लिए उनको भगाने के लिए आप क्या करेंगे अपने अपने क्षेत्र हमारे शहर के अंदर अगर हिंदुस्तान के कानून है और अपने महाराष्ट्र का कानून है जो भी ऐसे लोग हैं चाहे वो कोई भी हो जो मजलूमों को मार रहे और आतंकवाद का साथ दे रहे जो नशे से जुड़े रहते जो ऐसे कोई भी चीज में जिससे देश को खतरा है जिसको जिससे शहर को खतरा है ऐसे लोगों को तुरंत फांसी देना चाहिए और गवर्नमेंट का काम है कि उनको तुरंत स्ट्रिक्ट सजा इसलिए मैंने कहा ना कि जब ये टेररिज्म तालिबान से है
और तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसमें ये प्रश्न रख के कि जो मजलूमों को मैंने जैसे जैसे कि अमेरिका ने कई अपने शहर उसके लिए पर्सनली जाकर इतनी मुहिम चला के अटैक को करी और टेररिज्म को खत्म करी, तो एक एक जो मच्छे मरते उसका क्या है, मासूमों का क्या कसूर है? इसलिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कड़क पूरे देश सारे दुनिया के देशों को एक ओके इसका विरोध सख्ती से विरोध करना चाहिए, निषेध करना चाहिए और उनको तुरंत गोली मारना चाहिए जगह पे जान लोगे, क्योंकि ये इंसानियत को भी खत्म करने वाली बात है। जो स्कूल के बच्चे मासूम, कॉलेज के बच्चे मासूम हो जिनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या है, अपनी पढ़ाई से और अपने उससे मुशर्रफ है, उनको मारा जा रहा है, तो देश के लिए, दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए, दुनिया की हर इंसानियत, हर देश के इंसानियत के लिए खतरा है।